नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चेहरे पर एक अलग ही भाव भंगिमा, दमदार आवाज, ये है राम्या जो शिवगामी देवी के किरदार से छा गई थी। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए शिवगामी का नाम नया नहीं है। फिल्म में गुस्सैल चेहरा, माथे पर चमक और वीरांगना जैसी शख्सियत शिवगामी यानी राम्या कृष्णन ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। आइए जानते हैं राम्या से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। राम्या कृष्णन का जन्म 15 सितंबर 1970 को चेन्नई में हुआ था। 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू कर दी। अपने दमदार एक्टिंग से रोंगटे खड़े कर देने वाली राम्या असल जिंदगी में काफी ग्लैमरस है। उनकी कुछ फिल्में और तस्वीरें देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि ये वही राम्या है जिन्होंने बाहुबली में राजमाता का किरदार निभाया था। राम्या ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी। साउथ में अच्छा काम करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और 1988 में पहली फिल्म दयावान की, जिसमें उनके साथ विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म में उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और 4-5 सालों तक राम्या को कोई हिंदी फिल्म नहीं मिली, जिसके बाद राम्या ने फिर से साउथ का रुख कर लिया। फिल्म बाहुबली राम्या के करियर की एक माइलस्टोन फिल्म है। अपने अनुभव शेयर करते हुए एक बार राम्या ने बताया था कि डायरेक्टर राजा मौली से लगातार 2 घंटे तक कहानी सुनती रही। फिल्म का हर शॉट, हर सीन बिल्कुल क्लियर था। इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की थी। जैसे ही कपड़े और गहने पहनी, वो शिवगामी में तब्दील हो गईं। इस फिल्म के बाद न केवल साउथ में बल्कि देश विदेश में भी लोग उन्हें शिवगामी के रूप में जानने लगे। राम्या ने बाहुबली 2 के लिए करीब 2.5 करोड़ चार्ज किए थे। राम्या की संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 32 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही एक मर्सिडीज बेंच S350 है जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। राम्या का चेन्नई में एक बंगला भी है। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ यहीं रहती हैं। बाहुबली फिल्म की दोनों सीरीज ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इन दोनों ही फिल्मों में जितना प्रभास के किरदार को सराहा गया, उतनी ही पॉपुलर हुई बाहुबली की माँ शिवगामी देवी। इन दोनों ही फिल्मों में राम्या ने शिवगामी का रोल निभाया था, जिसे देखने के बाद लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाहुबली की माँ के किरदार के लिए राम्या पहली पसंद नहीं थी। राजामौली के इस किरदार के लिए पहली पसंद राम्या कृष्णन नहीं बल्कि बॉलीवुड दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी थी। कहा जाता है कि SS राजामौली ने शिवगामी के किरदार के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया था, हालांकि बाद में श्रीदेवी ने इसे मना कर दिया था। दिलचस्प बात यह कि राम्या कृष्णन के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। इससे पहले साल 1999 में रजनीकांत की फिल्म पदयप्पा में भी राम्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में राम्या ने नीलामरी का किरदार निभाया जो राम्या के करियर में टर्निंग पॉइंट बना था। सोर्सेस की माने तो नीलामरी के किरदार के लिए राम्या से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को ऑफर किया गया था। आज आलम यह है कि हर कोई राम्या कृष्णन को राजमाता के किरदार से पहचानता है। राम्या इससे पहले कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। आपको याद दिला दें कौन कौन सी हैं वो फिल्में। राम्या के हीरो में शाहरुख खान, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का नाम शामिल है। इन सभी हीरो के साथ राम्या हॉट सीन तक दे चुकी हैं। आपने भी राम्या को इन हीरोज के साथ देखा होगा, लेकिन लाइमलाइट में ना आने की वजह से लोग उन्हें भूल चुके हैं और फिर वो बाहुबली से एक बार फिर चर्चा में हैं। शाहरुख खान, राम्या ने शाहरुख के साथ फिल्म चाहत में काम किया था। इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट पूजा भट्ट थी। फिल्म का गाना दिल की तन्हाई सुपरहिट हुआ था। इस फिल्म में राम्या को काफी पसंद किया गया था। अमिताभ बच्चन, राम्या ने 1998 में आई फिल्म में बड़े मियां छोटे मियां में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। दर्शकों ने इस जोड़ी को खूब पसंद किया। इस फिल्म में गोविंदा और रवीना टंडन लीड रोल में नजर आए थे। विनोद खन्ना, राम्या ने विनोद खन्ना के साथ फिल्म परंपरा में काम किया था जो कि 1993 में आई थी। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। जैकी श्रॉफ, साल 2097 में आई फिल्म में राम्या ने जैकी श्रॉफ के साथ भी काम किया। इस फिल्म में दोनों का रोमांस दिखाया गया। गोविंदा, डेविड धवन की फिल्म बनारसी बाबू में भी राम्या गोविंदा के साथ ठुमके लगाती नजर आई थी। तो ये है राम्या कृष्णन की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।